फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुध जिन लोगों की कुंडली में दूसरे भाव में स्थित है, वो लोग अपने जीवन में बुध से किस तरह के फलों की उम्मीद कर सकते हैं, या ज्योतिषीय अगर हम उसकी विवेचना करें तो किस तरह के फल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए दूसरे भाव में बुध अच्छा है, शुभ कहा जाता है। मैं ये फल बिल्कुल सामान्य फलादेश है, इसमें आप किसी भी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर तय ना करें, क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत कुंडली का एनालिसिस नहीं है। तो ये बिल्कुल ही सामान्य फलादेश के आधार पर आप तय करें। अगली चीज ये है, आप पहले बुध को और दूसरे भाव को अलग अलग जान लें, उसके बाद फिर आप समझ पाएंगे कि बुध अगर दूसरे भाव में आता है तो किस तरह के फल आपको देगा। अब हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो दूसरा भाव वृष राशि का आता है, मानी टेरेस जो साइन है, और इसका स्वामी बनता है शुक्र। स्वामी शुक्र बनने से ये हुआ, शुक्र खुद भी जल तत्व है, ठीक है, लेकिन बुध का मित्र है, चंद्रमा यहाँ पे उच्च का होता है। तो जब दूसरा भाव है यहाँ पे, जब बुध आएगा अपने मित्र के घर में आएगा तो अच्छे फल ही लेकर आएगा। जब तक कि बाकी विशेष स्थितियों में ग्रह अगर खराब नहीं है तभी आपको बुरे फल मिलते हैं, अदरवाइज अच्छे फल ही देगा यहाँ पे। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा कि वायु तत्व की राशियों में है या पृथ्वी तत्व की राशियों में है तो बुध के फल बहुत अच्छे होंगे, और अगर अग्नि तत्व में है तो फिर आपको बाकी ग्रहों को देख के तब तय करना पड़ेगा कि किस तरह के फल मिलेंगे, और जल तत्व के अंदर थोड़े से फल कम शुभ मिलते हैं। बुध कभी भी अपने फल अकेला नहीं देता है, वो किसी भी ग्रह के साथ उसका कनेक्शन बनता है या उसके प्रभाव में है, उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शनि के प्रभाव में है तो शनि के अकॉर्डिंग फल देगा, मंगल के प्रभाव में है तो मंगल के साथ प्रभाव में देगा, या इनकी युति में है या प्रभाव में है तो उनके अनुसार फल देगा। तो आप ये मान लीजिए प्राइमरी ग्रह कौन सा है या उसका लॉर्ड कौन सा है, वो कैसा है कुंडली में, उस पर उसके फल निर्भर करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है कुंडली में तो बुध के फल भी अच्छे ही होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहले दोनों दो चीजों की, एक बुध ग्रह और दूसरा जो है वो भाव किस चीज का है, ठीक है। कि दूसरा भाव हम देखते हैं वो आपकी स्पीच का है, माना आपकी वाणी का भाव है। अब किस तरह से बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सही से बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, या कोई बोलने में कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है, मुंह के कोई रोग है, वहाँ पे बुध का रोल होता है और वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। और सेकंड हाउस इसे आपका धन भाव भी कहा गया है। धन भाव का मतलब ये है यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो कहाँ कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, इसका पता चलता है। एक सोर्स से आएगी, मल्टीपल सोर्स से आएगी, और जब से आपके पास पैसा आएगा तो आप सेविंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अक्यूमुलेशन ऑफ मनी होगा या नहीं होगा, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। अब ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपके वाणी का साथ साथ ही आपके पड़ोसियों का भाव भी है, आपके आपके अलावा आपके परिवार में और बाहर कैसे संबंध है आपके, उनमें कड़वाहट है, आप दुर्व्यवहार करते हैं, तरीके से बात नहीं करते हैं, या किस तरह के आपके संबंध हैं, ये उनको दर्शाता है। आपकी बैंकिंग लेन देन की जहाँ बातें होती हैं, सेल परचेज की जो बातें होती हैं, वो दूसरा भाव ही है। आप पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट है या लॉटरी है, इस तरह का जो पैसा लगा रहे हैं आप, उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा वो भी हम देखते हैं यहाँ से। बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट उनमें हम डील करते हैं तब हम इसी भाव से देखते हैं। और जो लोग फैमिली का बिजनेस संभालते हैं, उन्हें फैमिली का बिजनेस है ऑलरेडी और वो
उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसे कुटुंब भाव भी कहा गया है। अब कुटुंब भाव कहने का मतलब ये है कि ये आपकी इमीडिएट फैमिली को शो करता है। इमीडिएट फैमिली क्या? आपकी वाइफ, आपके बच्चे, माता पिता नहीं, वो फोर्थ हाउस में चले गए हैं। आपके भाई बहन, चाचा ताऊ, माता पिता, वो सब दादा, वो फोर्थ हाउस में चले गए, वो फैमिली का हाउस है। लेकिन सेकंड हाउस है इमीडिएट फैमिली का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपकी पत्नी जो है उसका, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, संबंध कैसा है, आपका जीवन कैसा चलेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, उनमें किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं है, वो भी हम दूसरे भाव से चेक करते हैं। तो दूसरा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। इसके साथ अब हम देख लेते हैं बुध को। बुध तो खुद एक व्यापार का ग्रह है, वो आपकी वाणी का है, आपके अंदर स्किल्स जो हैं, लर्निंग जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो भी हम बुध से देखते हैं। आपकी मेमोरी कितनी है, कितना याद रख पाते हैं, कितनी तर्क वितर्क कर पाते हैं, कितना आप चीज़ों को सही से विश्लेषण कर पाते हैं, आपकी जो समझ है, आपका जो ज्ञान है, आप उसका कितना उपयोग कर पाते हैं, आपको आपका दिमाग जो है, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, वो आपको एक्चुअल में समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी बुध पर निर्भर करता है। बुध आपके तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को देखता है, आपकी नसों से संबंधित बीमारियाँ, वात पित्त कफ की तीनों बीमारियाँ, लेकिन विशेषकर एयर एलिमेंट में ज़्यादा रहता है। स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई, एलर्जी कोई प्रॉब्लम हो गई, वो शरीर के अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है। दिमागी कोई भी रोग हो गया या मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, उस तरह की ओवर थिंकिंग हो गया या नींद नहीं आना या फिर आप बड़बड़ाते रहना या कोई बोलने में कोई डिफिकल्टी होना, ऐसी चीज़ें ये हम बुध से देखते हैं। तो बुध बुआ बहन मौसी को भी देखते हैं, मित्रों को भी देखते हैं, ये सब बुध के अधीन ही आते हैं। अब बुध अगर दूसरे भाव में आता है तो, क्योंकि ये भी धन भाव है और बुध भी धन का प्रमुख ग्रह माना जाता है, व्यापार का, आय का, जहाँ पैसे से डील करते हैं वह बुध माना जाता है। तो बुध का यहाँ पे आना एक चीज तो तय है, वो अगर पृथ्वी तत्व राशियों में या वायु तत्व राशियों में, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है, वो अच्छी कर देगा। यहाँ पे बुध बैठ के देखो आपकी वाणी में प्रभाव पैदा करेगा, आप जब भी बात करेंगे लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, आप बड़े क्लियर कट और बड़े अच्छे तरीके से पोलाइट होकर चीज़ों को समझा पाएंगे और अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाएंगे और लोग समझेंगे भी। आप अगर फैमिली के बिजनेस में हो, फैमिली रन बिजनेस चला रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, या आप मीडिया जर्नलिज्म या राइटिंग या पब्लिशिंग, इनमें किसी में भी है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। फिर चाहे आप कंसल्टेंट भी हो सकते हैं या एडवाइज़र भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट टॉप पोजिशन पे भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी लेवल पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजिशन को ये सुधार देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आपके पास ये तय कर देगा कि आपके पास एक सोर्स नहीं, कई सोर्सेज से पैसा आएगा, मतलब आमदनी के एक से ज़्यादा स्रोत होंगे आपके पास। पति पत्नी के संबंधों में बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पे पति पत्नी के बीच आपसी जो सामंजस्य है वो बना रहेगा, वो चाहे वैचारिक स्तर पर हो या शारीरिक स्तर पर हो, दोनों की तरह संबंध अच्छे रहेंगे। पड़ोसियों के साथ भी संबंध रहेंगे, समाज में मान मर्यादा बनी रहेगी, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, सेल परचेज के बिजनेस में है, या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, या लॉयर है, या आप जज हैं, या किसी भी तरह की एडवाइसेस, कंसल्टेंसी, उनमें ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ, बुध दूसरे भाव में आके आपको अच्छे फल ही देगा। तो आप ज़्यादा अपनी कुंडली में दूसरे भाव में बुध होने पर ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कुछ केसेस में बुध अगर अच्छे फल नहीं देता है तो क्या करें, आप यहाँ पर शुक्र के उपाय करिए, माता दुर्गा की पूजा करें,
माता लक्ष्मी की पूजा करें, कन्याओं का पूजन करें, सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। आप चाहे तो ओपल या सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं ज्योतिष परामर्श के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।